क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 8.2। अब क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा गया है कि इवेलुएट द फॉलोइंग। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पर कहा गया है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो यहाँ पर क्या करना है, बस कुछ नहीं करना कि यहाँ पर वैल्यूज रखनी है इनकी। अब ये वैल्यूज आपको जो है याद होनी चाहिए, या फिर इसका जो मैंने हैंड रूल बताया हुआ था उससे आप वहां पर वीडियो से आप जो है समझ सकते हैं कि भाई किस तरह से हम वैल्यूज इनकी फाइंड कर सकते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, इंटू, अच्छा, कॉस 30 की वैल्यू भी यही होती है √3/2, ठीक है, प्लस, अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू भी यही होती है भाई 1/2। अब क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, √3/√3 क्या बन जाएगा 3, और 2/2 क्या बन जाएगा 4, प्लस यहाँ पर 1/1 ये हो जाएगा 1, और 2/2 का कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स में जो भी है उन्हें ऐड कर दो, ऐड हो रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 4, और 4/4 क्या हो जाएगा 1। तो ये सिंपल सा सवाल था, इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट। अब स्टूडेंट सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। अब टेन की जो वैल्यू होती है, 10 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अब यहाँ स्क्वायर लगा है, तो इस वैल्यू पे स्क्वायर लगा देना, फिर प्लस cos 30, तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स √3/2, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस वैल्यू पे भी स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस sin 60। अब sin 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, अब यहाँ स्क्वायर लगा है तो इस वैल्यू पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 2/1। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, वैसे ये चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों चीज सेम है, ये प्लस में है यहाँ पर, ये माइनस में, सेम चीज से सेम चीज कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, जीरो हो जाएगा भाई। इस चीज में से ये वाली चीज घटाएंगे तो जीरो आएगा आंसर, तो यहाँ पर आ गया जीरो। अब 2 अंदर 2 प्लस 0 क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा, सिंपल इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया cos 45 डिग्री, और अपॉन में है यहाँ पर sec 30 प्लस cosec 30। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी गेट, ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है हमें। अब यहाँ पर cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो यहाँ पर हमने वैल्यू डाली है cos 45 की, ठीक है। फिर इसके अपॉन में क्या चल रहा है, इसके अपॉन में है sec 30। अब sec 30 स्टूडेंट होता है 2/√3, ठीक है, बस। तो यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस लगा देंगे यहाँ पर अपॉन में। अब है cosec 30, cosec 30 स्टूडेंट होता है 2, इसके नीचे चाहो तो 1 लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या बनेगा ये अब देखते हैं। तो ऊपर तो हमें वैसे ही रखना है, अभी 1/√2 लिख देना है ऊपर, ठीक है। अब नीचे देखिए, यहाँ पर इस वाले पार्ट में हमें देखना है कि √3 और 1 डिनोमिनेटर में है यहाँ पर, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हो, √3 / √3। अब ये जो 1 है वो यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, और ये √3 यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 1 2 का कितना हो जाएगा 2, प्लस, अब √3 2 से करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3, ये हमें एक्सप्रेशन मिलेगी आगे। अब यहाँ पर हम सबको पता है कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो जैसे ऐसा कुछ लिखा हो कि a/b, ठीक है, और उसके नीचे हो c/d, ऐसा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ c/d ऐसा कुछ होगा, तो ये d वाला पार्ट चला जाता है सबसे ऊपर, और ये c वाला चला जाता है b के पास, ठीक है। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर भी यही करना है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया अभी वही हम यहाँ पर कर देंगे। ये जो √3 वाला पार्ट है ना, √3 वाला, ये जाएगा सबसे ऊपर 1 के पास, ठीक है, और ये बीच वाला जो पार्ट है उसको भेज देंगे हम √2 के पास। तो आगे फिर हमारी ये जो एक्सप्रेशन है क्या बनेगी वो देखते हैं। तो √3 जाएगा 1 के पास, तो ये हो जाएगा √3/√3, ठीक है, फिर अपॉन में आ जाइए, और ये जाएगा √2 के पास, तो यहाँ ये √2 से मल्टीप्लाई करेगा, √2 × ये नीचे से क्या पहुंच रहा है, नीचे से पहुंच रहा है 2 प्लस 2√3, ये पहुंचा नीचे से, ठीक है। अब आगे हम इसको फर्दर करते हैं, तो क्या करें, अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, ये जो √2 है ना, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ठीक है, तो यहाँ रह गया √3 ऊपर और नीचे
देखिए रूट टू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टू रूट टू, ठीक है, फिर प्लस लगाते हैं यहाँ पर, फिर रूट टू का इस, देखिए रूट टू यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा और रूट टू यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ रूट रूट के नंबर मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो टू तो बाहर था, अब रूट टू और रूट थ्री क्या बन जाएगा, रूट सिक्स, टू थ्री सिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, अब यहाँ पर देखिए ये नीचे जो है हमारे जो है रूट में नंबर आ रहे हैं, ठीक है, थीके? तो हम क्या करें यहाँ पर रेशनलाइज करने के लिए, रेशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए नंबर यही रखेंगे, साइन बदल देंगे यहाँ पर। देखिए क्या करना है यहाँ पर कि हम रूट टू रूट टू ले लेंगे और यहाँ पर माइनस साइन के साथ टू रूट सिक्स ले लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर भी और इसी नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग नीचे भी, ठीक है। अब ये नंबर जो हमें लेना होता है इस तरह से, वो सेम नंबर लेना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जो साइन था वो क्या था, प्लस का साइन था, तो हमने यहाँ पर साइन क्या लिया है, माइनस का साइन, ठीक है, इतना क्लियर। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशनलाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाला जो पूरी चीज है, ये चीज ये इस रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगी पूरी चीज, और ये दोनों आपस में, ये चीज और ये वाली चीज, ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है भाई, कि हमने ये पढ़ा है कि ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे वाला तो हमारा जो है बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, नीचे वाला तो हमारा क्लियर है। यहाँ पर ए का काम कर रहा है टू रूट टू, तो यहाँ पर टू रूट टू का स्क्वायर, टू रूट टू का ये स्क्वायर हो गया यहाँ पर, फिर माइनस लगा देंगे। अब बी की जगह पर है टू रूट सिक्स, तो यहाँ पर टू रूट सिक्स का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर। अब ऊपर वाले में आ जाते हैं, ठीक है, ऊपर वाले में ये रूट थ्री मल्टीप्लाई करेगा पहले टू रूट टू से, तो ये बन जाएगा टू रूट सिक्स, ठीक है, रूट रूट के नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस, और रूट थ्री मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, टू रूट सिक्स से, तो ये बन जाएगा यहाँ पर देखिए टू रूट सिक्स से करेगा तो ये बन जाएगा टू रूट एटीन, सिक्स थ्री का एटीन होता है ना, तो टू रूट एटीन, ठीक है। हमारी ये कहानी आगे बढ़ेगी, और यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी जगह अब कम पड़ रही है तो थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे इसको ताकि हम आगे सॉल्यूशन कर पाए। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमें आगे क्या करना है, तो यहाँ पर पहले तो इसको हम ओपन कर लेंगे, ऊपर वाले में अभी हम लोग कोई ज्यादा छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो रखते हैं हम लोग टू रूट सिक्स माइनस। अच्छा देखिए 18 को हम रूट से निकाल सकते हैं, देखिए 18 को हम लोग रूट से निकालेंगे, ठीक है, तो देखिए 18 को आप प्राइम फैक्टर कर लो, टू नाइन जा 18, ठीक है, थ्री थ्री जा 9 और थ्री वन जा 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 जो है वो रूट में रह जाएगा, है ना, क्लियर है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि निकालना कैसे, ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, वो ये ज्यादा ही निकाल दिया मैंने इसको, हाँ यहाँ, ठीक है, उसको जो है हम लोग देखिए, अब देखिए यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ पर ये तो आ जाएगा टू रूट सिक्स। अब 18 को अगर हम रूट से निकालें तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो टू थ्री हो जाएगा 6, और रूट में क्या रह जाएगा, रूट में रह जाएगा 2, ठीक है, इतना ओके क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो टू का स्क्वायर 4 और रूट टू का स्क्वायर 2, तो ये बन जाएगा 4 2 8, फिर माइनस, यहाँ पर देखिए टू का स्क्वायर 4 और सिक्स का रूट सिक्स का स्क्वायर 6, तो 6 4 जाए यहाँ पर आ जाएगा 24, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए यहाँ से ये ऊपर वाले न्यूमिरेटर में 2 कॉमन मिलना है, ठीक है, और -2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो -2 कॉमन जैसे ही लेंगे हम, तो ये वाला जो पार्ट है वो माइनस में हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो यहाँ बचेगा 3, 3 रूट 2, ठीक है, और ये वाला पार्ट अब माइनस का हो जाएगा तो इसको लिखेंगे पीछे, यहाँ रह जाएगा रूट 6, ठीक है,
इतना क्लियर हो गया। अब 8 माइनस 24, तो 8 माइनस 24 हो जाएगा -16। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और साथ के साथ 2 1 2, 2 8 16, तो फाइनली हमें मिल रहा है 3√2 -√6 अपॉन में 8। ठीक है, और यही मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में आंसर दिया है, तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज रखनी है बस। ठीक है, तो साइन 30 हमारा होता है भाई 1/2, ठीक है, प्लस, और 10/45 हमारे पास मिल जाएगा 1, तो 1/1 लिख ले, कोई दिक्कत। माइनस यहाँ पर फिर कॉस 60 होता है 2/√3, ठीक है, फिर इसके अपॉन में आ जाते हैं। अब sec 30 होता है 2/√3, ठीक है, फिर प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर कॉस 60 होता है हमारे पास 1/2, ठीक है भाई, फिर हमारे पास यहाँ पर कॉट 45, तो प्लस हो रहा है प्लस कर देंगे, और कॉट 45 की वैल्यू 1, तो 1/1 रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको जो है तीन डिनोमिनेटर है तीनों के पास, ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले केस में, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब देखिए 2 से अगर हम इस ये जो हमने एलसीएम लिया इसको डिवाइड करें तो √3 बनता है, तो √3 फिर 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये √3 बनता √3 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सेकंड वाले में देखिए 1 से अगर हम 2√3 को डिवाइड करें तो हमें 2√3 मिलेगा, ठीक है, और 2√3 से इस ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2√3, 1/2√3, फिर माइनस लगाओ। अब देखिए यहाँ पर है इस वाले लास्ट वाले डिनोमिनेटर में √3, √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 से ऊपर वाले इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4। क्लियर, इसी तरह से सिमिलरली हम नीचे वाले पार्ट में भी एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा यहाँ पर भी यही आएगा भाई, ठीक है, 2√3, सिमिलरली √3 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, 2 2 4 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो √3 मिलेगा, तो √3 1/√3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 1 से करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से, तो यहाँ पर भी 2√3 ही मिल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया के लिए। अब देखिए इस √2√3 से ये वाला 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये फाइनल बचेगा क्या ऊपर साइड में और नीचे साइड में, तो ऊपर बचेगा √3, देखिए √3 और 2√3 इसको ऐड करके लिख दो तो ये हो जाएगा 3√3, कितना हो जाएगा 3√3 -4। और देखिए यहाँ पर 4+, और इन दोनों को ऐड कर दो √3 और 2√3, तो ये हो जाएगा 3√3, ये हमारे पास अभी तक आंसर मिला। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है, फिर आगे आगे अब हम इसको करेंगे रेशनलाइज। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा हमें रेशनलाइज, तो एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं 3√3 -4 अपॉन में 4+3√3। ठीक है, अब इसको हमें करना है रेशनलाइज, नीचे देखिए प्लस आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, नीचे वाला सेम नंबर लेंगे और माइनस ले लेंगे यहाँ पर 3√3, ठीक है, और नीचे भी अब हम यही नंबर लेंगे 3√3। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो नीचे अभी मैंने इससे पहले वाले सवाल में आपको बताया कि क्या हो जाता है a+b और a-b, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर देखिए, ऊपर पहले ये 3√3 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12√3 ये मिलेगा, ये √3 पहले इससे मल्टीप्लाई कर, सॉरी इससे मल्टीप्लाई करेगा इससे, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये √3 पहले इससे 4 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या मिलेगा 12√3 मिलेगा आपको, फिर ये जो √3 है ना फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा इससे 3√3 से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3 3 9, और √3 × √3 क्या मिल जाएगा 3, तो 9 3 27, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, -27। ठीक है,
अब यहां पर ये फोर फिर फोर से मल्टीप्लाई करेगा तो फोर फोर जा 16, यहाँ पर एक फोर माइनस में तो -16 आ जाएगा। फिर ये फोर मल्टीप्लाई करेगा इस थ्री रूट थ्री से, ठीक है, तो यहाँ पर फोर थ्री जा 12, वही प्लस में आएगा क्योंकि दोनों लोग माइनस में है, तो फोर थ्री जा 12√3। ये हमारे पास यहाँ तक कहानी बनी। थोड़ा सा हमें जगह और चाहिए है तो हम उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे जिससे कि हम आगे फाइनल रिजल्ट पे पहुंच पाए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, देखिए, ठीक है, 12√3 और 12√3 ये हो जाता है हमारे पास 24√3। अब -27 और -16 ये हो जाएगा हमारे पास -43, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा -43 अपॉन में 4 4 से हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस, अब 3√3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 9 3 27, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 27। ये 6 थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ऊपर माइनस कॉमन ले लो, आप क्या करो माइनस कॉमन ले लो तो 43 हो जाएगा प्लस का, -24√3 ये माइनस का हो जाएगा नीचे अकाउंट में। माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमें नीचे दिख रहा है कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे नीचे हम 16 -27 ये माइनस में आएगा, आंसर कितना आएगा -11 आएगा, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया तो फाइनली हमें क्या मिला 43 -24√2। सॉरी यहाँ पर देखिए √3 है, ठीक है, यहाँ पर जो है √3 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर √3 अपॉन में हमें आंसर क्या मिल रहा है 11, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फिफ्थ सॉरी फोर्थ पार्ट कम्प्लीट, अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का ये फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर वही हमें वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 को वैसे ही लिख देंगे। अब cos स्क्वायर 60 है, अब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो वही स्क्वायर लगाना पड़ेगा वैल्यू पे, फिर प्लस, अब यहाँ पर 4 तो वैसे ही लिख दो, sec 30 हमारा क्या होता है 2/√3 होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे sec स्क्वायर है। फिर -10√45 हमेशा 1 ही होता है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो आ जाते हैं अपॉन में। देखिए यहाँ पर अपॉन में क्या दिया हुआ है, अपॉन में sin²30, तो sin 30 की वैल्यू होती है भाई 1/2, तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करो, फिर प्लस, फिर cos²30, cos 30 होता है √3/2, तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो वैल्यू का भी स्क्वायर होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 और 5 मल्टीप्लाई करता है तो ये हो जाएगा 5/4, है ना, ऐसा क्लियर तो हो रहा है सब लोगों को। देखिए यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 4 16/3 हो जाएगा, ये 16/3, 16/3, ठीक है, क्लियर, ये 6 है, ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा समझ लो 16/3, फिर ये 1 तो 1 ही रहेगा तो -1/1 कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, तो नीचे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 1/4 बनेगा, एक प्लस, और √3 का स्क्वायर आपको पता है 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 3/4 बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ऊपर वाला जो है हमारा, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वाले में हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, 4 3 12, 12 आ गया। अब देखिए इस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा ऊपर, है ना, फिर प्लस, अच्छा 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, ठीक है, नहीं अब 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 टाइम जाएगा, 16 4 64 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा -12 क्योंकि 1 से करेंगे तो 12 टाइम ही जाएगा, 12 12 हो जाएगा। अच्छा नीचे देखिए, नीचे बन रहा है हमारा 4/4, और 4/4 का मतलब होता है 1, अब नीचे 1 आ गया तो उससे हटा ही दो, फिर उससे कोई मतलब नहीं। अब ऊपर वाले में अगर हम यहाँ पर देखिए 64 प्लस 15, तो 64 प्लस 15 हो जाएगा हमारे पास 79, और 79 में से हम 12 घटा दें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 67 मिल जाएगा,
अपॉन में, और नीचे हमारा 12 बचा। अब ये 4/4 तो 1 बन गया ना, तो इसे हटाई दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया फिफ्थ पार्ट। सिंपल इतना, सिंपल इतना।